बीएसपी के राज्यसभा सांसद नरेंद्र कश्यप की बहू की संदिग्ध अवस्था में मौत, सिर में लगी गोली। हिमांशी के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल, पिता ने हीरालाल कश्यप का आरोप, मेरी बेटी को मारा गया। बीएसपी एमपी नरेंद्र कश्यप के घर के बाहर हंगामा, बहू के परिवार वाले भड़के। बीएसपी सांसद नरेंद्र कश्यप की सफाई, मेरी बहू की हुई मौत। नरेंद्र कश्यप ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बताया आधारहीन, देश की कोई बात कभी नहीं कही। श्रीनगर के NIT कैंपस में पुलिस और छात्रों के बीच हिंसक झड़प, लाठीचार्ज में 4 छात्र हुए घायल, सीआरपीएफ की 2 कंपनियां हुई तैनात। NIT में तनातनी पर आज तक से बोले डिप्टी सीएम निर्मल सिंह, कैंपस से बाहर निकलना चाहते थे प्रदर्शनकारी छात्र, लोकल और नॉन लोकल का बन सकता था मुद्दा, लिहाजा पुलिस ने किया लाठीचार्ज। NIT विवाद पर 500 छात्रों ने स्मृति ईरानी से की बात, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की 2 सदस्यीय टीम जांच में जुटी, स्थिति का जायजा लेने जाएंगी स्मृति ईरानी, लेकिन तारीख अभी तय नहीं। दिल्ली में 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लागू होगा ऑड इवन फॉर्मूला, परिवहन मंत्री गोपाल राय ने किया इसका ऐलान। ऑड इवन में महिलाओं को छूट रहेगी जारी, पिछली बार के नियम संशोधित नहीं, इस बार ऑड इवन के समय खुले रहेंगे स्कूल, यूनिफॉर्म में बैठे बच्चों की गाड़ियों को मिलेगी छूट। दिल्ली में ऑड इवन पर सरकार और DTC में टकराव, DTC ने प्राइवेट स्कूलों को बस देने से किया इनकार। 13 तारीख को ऑड इवन के बारे में दी जाएगी पूरी जानकारी, कल विधायकों और सभी SDM के साथ होगी चर्चा। सूखे से त्रस्त महाराष्ट्र में सरकार को बॉम्बे हाईकोर्ट की फटकार, IPL के मुकाबले जनता को पानी की ज्यादा जरूरत, लेकिन MCA ने मैच रद्द होने से माली नुकसान का दिया हवाला। देश में 9 राज्यों में सूखे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर ही कड़ी टिप्पणी, कहा केंद्र सरकार आंखें नहीं मूंद सकती। स्वराज अभियान ने सूखे के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट में डाली याचिका, इसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र सरकार पर की है सख्त टिप्पणी। महाराष्ट्र के बीड़ में गहराया जल संकट, नंदरगढ़ के लोगों ने ब्लॉक प्रशासन की घेराबंदी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पानी का भारी संकट, पिपरी में पानी के लोग आपस में भिड़ गए लोग। दिल्ली में बीजेपी के 36 साल पूरे होने पर समारोह, अध्यक्ष अमित शाह समेत कई नेताओं ने की शिरकत। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बयान, पाकिस्तान भारत में आतंकवादी भेजकर कराता है निर्दोष लोगों की हत्या, उल्टे लगाता है हम पर निराधार आरोप। राम मंदिर पर बोले नितिन गडकरी, मंदिर निर्माण के हैं 3 विकल्प, पहला अदालत का फैसला है, दूसरा आपसी सहमति बने और तीसरा विकल्प संसद में इस पर कानून बनाया जाए। दिल्ली के जंतर मंतर पर जौहरियों के आंदोलन में शामिल हुए राहुल गांधी, मेक इन इंडिया पर उठाए सवाल। राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया के शेर वाले सिंबल पर कसा तंज, कहा महात्मा गांधी ने ही कर दी थी मेक इन इंडिया की शुरुआत, लेकिन उनका सिंबल चरखा था, यहां शेर है, अंतर आप समझ सकते हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल में की रैली, कहा जब विकास नहीं हुआ तो TMC और लेफ्ट को वोट नहीं देने चाहिए। बांग्लादेश घुसपैठ पर राजनाथ सिंह का बयान, कहा बांग्लादेश से अच्छे रिश्ते, लेकिन सरकार बनने पर बांग्लादेश से नहीं होने देंगे कोई भी अवैध घुसपैठ। आसनसोल में चुनावी रंजिश, TMC के पोस्टर जलाए गए, CPM पर पोस्टर जलाने का आरोप। वर्धमान में TMC CPM कार्यकर्ताओं में भिड़ंत, 3 लोग हुए घायल। बीरभूम में भी चुनाव प्रचार के दौरान 2-2 हाथ, TMC और CPM के 2-2 कार्यकर्ता घायल। मनमोहन सिंह का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा लोगों से जबरन खुलवाए गए हैं बैंक खाते। मोदी के विदेशी दौरे पर भी बरसे मनमोहन सिंह, पूछा विदेश दौरे से क्या क्या हासिल हुआ। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन पर नैनीताल हाईकोर्ट में कल भी होगी सुनवाई, केंद्र ने दिया था हलफनामा। महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम और NCP नेता छगन भुजबल की 2 संपत्तियों की होगी नीलामी, कर्ज की वसूली के लिए SBI ने जब्त की है संपत्ति। बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के बंगले पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर किया विरोध।
दिल का दौरा पड़ने से कमला आडवाणी का निधन, दिल्ली के एम्स में करवाया गया था भर्ती। कमला आडवाणी के निधन पर शोक की लहर, मुलायम सिंह यादव ने जताया दुख। शिमला में हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष ब्रज बिहारी लाल पटेल की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती कराया गया। हिमाचल में वीरभद्र सिंह सरकार के खिलाफ विपक्ष ने खोला मोर्चा, बीजेपी के राज्यपाल से मिलकर वीरभद्र सरकार की बर्खास्तगी की मांग। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, बीजेपी के समर्थन से कलिखाओ पुल बने थे मुख्यमंत्री। दिल्ली में मर्सिडीज हादसे में नाबालिग आरोपी की हत्या पर भी केस, पुलिस ने हिरासत में लिया। दिल्ली के वेलकम इलाके में एक युवक के चाकू से कूदकर हत्या, पुलिस को आपसी झगड़े का शक। दिल्ली के रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन पर 25 साल के युवक ने आत्महत्या की, मेट्रो के सामने कूद कर दे दी अपनी जान। दिल्ली के तिलक नगर में 25 साल की महिला और उसके 1.5 साल के बेटे की आग में झुलसकर मौत, घर का गैस सिलेंडर लीक होने से घर में लग गई थी आग। दिल्ली के चांदनी चौक में एमसीडी ने ढहा दिए कई धार्मिक स्थल, कार्रवाई के बाद इलाके में है तनाव। एनआईए के अफसर मोहम्मद तंजील हत्याकांड में नया मोड़, फोटो में दिखे दो संदिग्धों में से एक निकला रिश्तेदार, यूपी के एडीजी दलजीत सिंह के अनुसार अब एक ही संदिग्ध पर है ध्यान केंद्रित। एनआईए अफसर हत्याकांड में 4 दिन बाद भी जांच टीम को तंजील के वैगनआर की सीट में धंसी मिली गोलियां, 5 खोखे भी गाड़ी से हुए बरामद। प्रत्युषा बनर्जी आत्महत्या केस में बॉयफ्रेंड राहुल की कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी। प्रत्युषा की मौत के केस में राहुल की और बड़ी मुसीबत, केस दर्ज होते ही वकील ने छोड़ दिया साथ। प्रत्युषा की मां ने राहुल को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। दिल्ली से सटे गुड़गांव में एक पब में युवती से अश्लील हरकत और मारपीट, गुड़गांव में नाबालिग से रेप और दूसरे से छेड़छाड़, पुलिस ने दर्ज किया मामला। दिल्ली में आतंकवादियों की घुसपैठ की खबर के बाद पंजाब में भी अलर्ट, जालंधर में पंजाब रोडवेज के जनरल मैनेजर के खौफनाक करतूत, दुकान के विवाद में एक शख्स को 2 दिन तक बंधक बनाकर रखा, गुरदासपुर की केंद्रीय जेल में कैदी ने फंदा लगाकर किया आत्महत्या। हापुड़ के चीनी मिल में बड़ा हादसा, टैंकर की सफाई के दौरान 3 मजदूरों की दम घुटने से हो गई मौत, हाथरस में डकैतों का धावा, घर के मालिक का दांत उखाड़ा, बच्ची के गले में फंदा डालकर लूटे लाखों रुपए, ललितपुर में 7वीं क्लास में बच्ची ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, दोस्त के मारने पर पुलिस से घबरा गया था बच्चा। लखनऊ के नाका इलाके में चोरी के आरोप में एक युवक के खंभे से बांधकर लोगों ने की पिटाई, देवरिया में अवैध संबंध के चलते 9 साल के मासूम की कर दी गई हत्या। हरदोई में मिला 30 साल की अज्ञात महिला का शव, चेहरा तेजाब से जलाया गया, रेप की आशंका। लखीमपुर खीरी में नाबालिग से लड़की से बलात्कार, परिजनों ने अस्पताल में सुविधाएं मुहैया नहीं कराने का लगाया आरोप। मुजफ्फरनगर में मानसिक रूप से बीमार बेटे को पिता ने जंजीरों में किया कैद। नोएडा एक्सप्रेसवे पर चलती टाटा सुमो में लगी आग, गाड़ी जलकर खाक। गजरौला में रोड रेज में दिल्ली पुलिस के सिपाही की पिटाई, मंत्री महबूब अली के भतीजे ने की पिटाई। चित्तौड़गढ़ में बाइक चोरी के आरोप में 3 नाबालिग की पिटाई करने वाले गिरफ्तार, 6 को पकड़ा गया। अजमेर में स्पेनिश युगल से मारपीट और रेप की कोशिश के सभी 6 गिरफ्तार। उदयपुर में डाका डालने की योजना बना रहे 5 लुटेरों को पुलिस ने दबोचा। अंबिकापुर में महिला ने 5 बच्चियों को एक साथ दिया जन्म, 4 को हुआ पी लिया। कांकेर में शराब के नशे में भिड़े 2 भाई, बड़े ने छोटे की चाकू मारकर हत्या कर दी। बिहार में पूर्ण शराबबंदी का दिख रहा है असर, नालंदा के नशा मुक्ति केंद्र में मरीजों की तादाद बढ़ी। बिहार के सहरसा में नशा छुड़ाने के लिए नशा मुक्ति केंद्र पर लोगों का तांता। पटना के अस्पतालों में मरीजों की बड़ी तादाद, शराब न मिलने पर साबुन और डिटर्जेंट खाया। छपरा में नशा मुक्ति केंद्र में कुछ मरीजों की हालत हुई खराब, शराब न मिलने से हुए बेसुध। शराबबंदी के बाद भी गया में खुला बार, मालिक ने कहा 31 अप्रैल तक है लाइसेंस। बिहार की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के 15 जिलों में शराबबंदी, समर्थक में उतरे सड़कों पर लोग। बिहार के बेगूसराय में 14 जगहों पर खेतों में लगी भीषण आग, लोग हुए नाराज। हरियाणा के झज्जर में बंदूक की नोक पर बैंक से 2.5 लाख रुपए की लूट। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में अंतरजातीय विवाह करने वाली बुजुर्ग महिला को सजा, मौत के बाद अंतिम संस्कार की जगह कब्र में दफन किया।
उज्जैन में चाय पीते एक ही परिवार के 13 लोगों की तबीयत बिगड़ी, 3 बच्चियों की मौत, 10 गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती। झारखंड के जामताड़ा में किसान मेले में शामिल हुए शिबू सोरेन। मेरठ की छात्रा देविका सिरोही की बड़ी कामयाबी, जीका वायरस के खिलाफ टीका बनाने वाली टीम में शामिल। इलाहाबाद का दारोखा बना सिल्वर स्क्रीन का हीरो, अनिरुद्ध सिंह की 2 तेलुगु फिल्में रिलीज। उज्जैन के संघर्ष क्षेत्र में धसी सड़क, चला एक बड़ा हादसा। राजस्थान के करौली में क्याला माता लक्खी मेले में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसाला। सलमान खान दिखेंगे दक्षिण भारत की हिंदी रीमेक फिल्म में, संगीता बिजलानी है उनके साथ। सलमान की बहन अर्पिता को मां बनने की खुशी, सलमान ने दी BMW कार। ऋतिक रोशन के फेक आईडी मामले में साइबर सेल ने कंगना रणावत से किए सवाल जवाब। विभाषा और करण सिंह ग्रोवर जल्द बन सकते हैं शादी के बंधन में। विभाषा करण को बच्चों की नहीं है जल्दी, 2 साल तक ऐसे ही रहेंगे। टीम इंडिया की कोचिंग के लिए राहुल द्रविड़ ने नहीं खोले अभी अपने बत्ते, से जुड़े सवाल पर दिया गोल बोल जवाब। आईपीएल में नए किरदार के लिए तैयार हैं जहीर खान, अपनी कप्तानी में दिल्ली डेयरडेविल्स को बनाना चाहते हैं चैंपियन। सैम्यूल्स के समर्थन में आए वेस्टइंडीज के खिलाड़ी, सैमी ने कहा खिलाड़ियों के खिलाफ बोलते रहने का शेन वॉन को ही नहीं। बैंकॉक में एशियाई जूनियर तीरंदाजी कप में बीकानेर के जगदीश ने दिलाया सिल्वर मेडल। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने किया जीत से आगाज, जापान को 2-1 से दीमार। सीरिया में मुस्लिम विद्रोहियों ने एक युद्धक विमान को मार गिराने का किया है दावा, पायलट को बंदी बनाने की भी कही गई है बात। चीन के सानजियांग प्रांत में भूस्खलन में बाल बाल बचे कुछ लोग, पहाड़ टूट कर सड़कों पर गिरा, पूरी घटना कार में लगे कैमरे में हुई कैद। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में एक अपार्टमेंट में हुए धमाके में कम से कम 5 लोगों की मौत, गैस लाइन में लीक होने से हुआ है ये जबरदस्त धमाका। थाईलैंड के बैंकॉक में हाथी के 315 किलो दांत जब्त, एयर कार्गो में स्मगलिंग की थी पूरी प्लानिंग। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती की बेहद अलौकिक तस्वीर सामने आई, नासा से जारी वीडियो में रोशनी से जगमग नजर आ रही है हमारी धरती। सीधे चलते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो नहीं कह रहे, आज सवेरे सवेरे जब मैं उठा बहुत सारे आपके अंदर में से कई पत्रकार इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे थे, खून खौल रहा है लोगों का पूरे देश के अंदर। फुटवर्क करेक्ट, दिस इज कोहली वेरी कोहली वेरी कोहली वेरी बी, मेंटेन दिस, हां दिस इज कोहली वेरी।